सबको नमस्कार, मैं आपका चिरंजीवी। तो अभी मैं शैतान मूवी देख के आ रहा हूँ। तो मतलब इतना डराने का सीन्स कुछ नहीं है, लेकिन डिस्टर्बिंग सीन्स बहुत है मूवी में, क्योंकि काला जादू और वशीकरण के सीन्स बहुत दिखाए उन्होंने मूवी में। तो काला जादू एक के ऊपर प्रयोग करने से कितना हानिकारक होगा करके ये मूवी देखने से हमको मालूम पड़ेगा। तो मतलब एक ही हमको एक रखना है कि माइंड में ये कि मतलब एक अनजान आदमी को हम उतना आसानी से भरोसा नहीं करना है और उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं देना है, तो उतना इजीली उसके ऊपर बिलीफ नहीं रखना है हमें। तो यही उन्होंने बताया, क्योंकि आप मूवी देखने से मतलब स्टार्ट होते ही मतलब अजय देवगन और उनका फैमिली मतलब मौज मस्ती से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आराम से उनका फैमिली। तो एक बेटी, बेटा और माँ बाप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक अनजान आदमी आएगा उनके लाइफ में, वो भी ढाबे में मिलेगा और एक लड़की को टारगेट करके फिर उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करेगा और ब्लैक मैजिक करेगा। तो उसके बाद फैमिली का क्या क्या परिणाम होगा, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे वो लोग और कितना बुरा हाल होगा उनका, तो ये पूरा उन्होंने दिखाया। तो लिटरली माधवन का एक्टिंग तो एकदम सुपर है और लिटरली उनका एक्टिंग तो मतलब एकदम मस्त है। तो और लड़की उन्होंने जो भी किरदार निभाया ना, मतलब अजय देवगन का बेटी का रोल, तो मतलब शी एक्टेड लिटरली फैंटास्टिक। मतलब एज टू रोल्स, मतलब एक अजय देवगन का बेटी का रोल भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जब माधवन उनके ऊपर हिप्नोटाइज करेगा ना, तो वशीकरण करेगा ना, तो वो रोल तो मतलब लिटरली सुपर्ब है। तो वेरी वेरी गुड एक्टिंग बाय हर, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर ज्योतिका जी ने भी ठीक काम किया और एक छोटा बच्चा रहेगा तो वो भी अच्छा काम किया। तो एकदम मतलब रियलिटी बेस्ड में निकाला मूवी, क्योंकि कभी कभार हम देखेंगे मतलब काला जादू ये वशीकरण का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर किसी का ऊपर किसी को थोड़ा ग्रज होगा, फिर जलसी होगा, तो उनके ऊपर ये काला जादू का प्रयोग करेंगे, तो ठीक ठाक ही किया। लेकिन क्लाइमैक्स तो मुझे थोड़ा मतलब सिल्ली और अननेचुरल लगा, क्योंकि माधवन उतना पावरफुल रहेगा और अजय देवगन उनको मार देगा और सभी को उससे रिलीज़ कर देगा। तो मतलब ओवरऑल मूवी उन्होंने अच्छा बनाया और मतलब थोड़ा आपको डिस्टर्बिंग सीन्स लगेगा, क्योंकि खून खून का सीन्स थोड़ा है और मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे, बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स है मूवी में। और इसीलिए आपको एक ही याद रखना है कि क्योंकि एक अनजान आदमी और एक स्ट्रेंजर को आप इजीली बिलीव नहीं करना है, और किसी को भी आप उतना मतलब उतना जल्दी आपको भरोसा नहीं करना है, तो यही उन्होंने दिखाया। और अजय देवगन ने भी अच्छा काम किया और उनका एक्टिंग तो अच्छा है। फिर ज्योतिका जी ने भी अच्छा काम किया, वो लड़की का किरदार तो एकदम शानदार निभाया उन्होंने, और मतलब वेशी ट्रांसफॉर्म्स है ना, लाइक एक डॉटर रोल है, फिर जब हिप्नोटाइज होगा ना तो अंडर माधवन कंट्रोल रहेगी वो, तो तब उन्होंने उनका एक्टिंग भी एकदम मस्त है। तो ओवरऑल अच्छा है मूवी और मैं दूंगा 3.25। और थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा और डरने का कुछ सीन्स नहीं है इसमें, डरने का या उतना कुछ सीन्स नहीं है, लेकिन डिस्टर्बिंग तो लगेगा आपको। तो यही है फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शैतान टाइटल इस मूवी के लिए एकदम परफेक्ट है, तो यही है मेरा राय। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।